हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम गुड़ वाली आटे की लस्सी बना रहे हैं, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है और इसे बढ़ई के साथ खाते हैं। तो लस्सी बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़े चम्मच से एक चम्मच गेहूं का आटा लेंगे और लो फ्लेम में कढ़ाई में रोस्ट करेंगे। अब आटे का कलर चेंज हो चुका है और आटे में से खुशबू भी आने लगी, इसलिए हम आटे को कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब हमने कुकर में 1.5 गिलास पानी डालकर गर्म कर लिया है और उसमें 200 ग्राम गुड़ डाल रहे हैं। जब गुड़ पूरी तरीके से पानी में घुल जाए तो उसे चाय व दूध छानने वाली छन्नी से छान लें। अब रोस्ट किए हुए आटे को अच्छी तरह से मिलाएं, उसमें गांठ न बनने पाए। अब हम गैस को लो फ्लेम में करेंगे और चम्मच से टालते हुए इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे। तो अब हमारी लस्सी पक चुकी है। अब हम इसमें चिरौंजी, बारीक कटे हुए बादाम और गरी डालेंगे। अब हमने इसमें 2 चम्मच सौंठ पाउडर डाला है। तो हमारी गुड़ वाली आटे की लस्सी रेडी है। इसे आप सर्दियों में ज़रूर खाएं। ये बनाना बहुत आसान है। ये बेसन के चीला के साथ अच्छी लगती है। अगर आपको बेसन के चीला की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।